तो फैमिली आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं क्रिसमस हैक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फैमिली आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज ब्लॉग बनाएगी हे गाइस व्हाट्स अप, गलत टाइम नहीं हो गया, कट 3 2 1 गो। हे गाइस व्हाट्स अप, तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। हाँ अच्छे हो गए, अच्छे ही है ना? हाँ अच्छे हो गए। तो गाइस आज हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं लाइफ हैक्स पार्ट 1 रिलेटेड टू क्रिसमस और न्यू ईयर। आप लोग कह सकते हो क्रिसमस और न्यू ईयर वाला टाइम 3-4 बजे है, कब मैं आपको कुछ लास्ट मिनट दिया भाई, तो चलो क्यों ना ट्राई करते हैं, दिमाग लगाते हैं और भाई यार ट्राई करते हैं। तो हैक नंबर 1 के लिए बढ़ते हैं दोस्तों। हैक नंबर 1 के लिए आपको बस कुछ ही चीजें चाहिए। तो अभी आपको करना क्या है, जो मेरे पास पेजेस हैं इनका ना एक रोल बना लेना है पतला, चलो बना कर देखा। जब हम लोग ने कुछ पेपर के रोल्स हमने तैयार कर चुके हैं, देख सकते हैं कि आप लोग। तो अभी हम लोग को करना क्या है कि अभी हम लोग को ना ऐसे स्टार शेप देना है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। बना लिया और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक बिकॉज मेरे घर वाले मुझे वीडियो बनाने नहीं देते, कहीं कोई बर्तन मांजने लगता है, कहीं मेरे पड़ोसियाँ अपनी गाड़ी चालू कर देते हैं, गालियाँ नहीं मेरे दोस्तों गाड़ी। तो अभी हम लोग का स्टार वाला बन चुका है और कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो या अभी ये तो हम लोग का बन ही चुका है, हम लोग करने वाले हैं हैक नंबर 2। तो चलो अभी हैक नंबर 2 में चलते हैं। तो फैमिली हैक नंबर 2 होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्यों सिंपल होने वाला है, और इसके बिना तो ना आपका जो क्रिसमस है ना वो एकदम अधूरा है। कैसे? क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना क्रिसमस ट्री, और उसके लिए आपको करना क्या है ना, सबसे पहले एक सिंपल से गूगल में जाओ, क्रिसमस देखो और गूगल भैया क्रिसमस दिखा दो, और फिर जल्दी से ना उस क्रिसमस को आप लोग ड्रॉ कर लो किसी कार्डबोर्ड में और बस ऐसे कट कर लो, पेंट कर लो। ये बहुत सिंपल से काम करना है। फिर अब करना क्या है, मेन बात आती है डेकोरेशंस की। तो गाइस मुझे माफ़ कर देना क्योंकि ये मेरे क्रिसमस का एक आधा हिस्सा चला चुका है, इसके लिए मुझे बहुत दुखी है। तो गाइस आपके पास अगर कार्डबोर्ड नहीं है, सामान तो आते ही है उसमें कार्डबोर्ड निकल जाए नहीं है, तो आप जाए अपने किसी भी कोई भी अरे दुकान वाला मिल जाएगा ना आपके घर के पास आस, तो उनसे जाए कहें भैया मैं बहुत गरीब हूँ मुझे एक दो कार्डबोर्ड दे दीजिए, वो दे देंगे आपको, चिंता मत करो। अगर ज़्यादा तो आप हमारे घर आ जाए, हम आपको कार्डबोर्ड दे देंगे, बहुत सारे पड़े हैं। ठीक है तो चलो अभी इसे डेकोरेट करते हैं और देखो आप करते हैं। ये स्पेस देख रहे हैं ना, इसमें हम क्या करने वाले हैं ना, अभी नहीं थोड़े दिन के बाद जब क्रिसमस आएगा तब इसमें पेस्ट कर देंगे बहुत अच्छे अच्छे टॉफीज वगैरह। और अभी के लिए हम लोग के पास अभी पॉम पॉम मिला तो हम लोग पॉम पॉम ही पेस्ट करने वाले हैं। नान आमु मालदो हाल सुगा ओप्सोच्ची चन्नुने बानान। लंगड़ा ट्री है इसकी वजह से लंगड़ा बोल रही हूँ, तो एकदम तैयार हो चुका है। अभी आप लोग सोच रहे हो बहुत कम डेकोरेशन है, तो गाइज फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल। सो गाइस जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि मतलब जब मैंने और नानी आई थी तब मैंने कहा था कि दैट हम लोग पार्टी करेंगे, सो या अभी उसके लिए तो हैक कर। चलो अभी बढ़ते हैं हैक नंबर 3 की तरफ। या फैमिली हैक नंबर 3 के लिए बहुत ही सिंपल चीज चाहिए, तो चलो क्यों ना इसे बता देते हैं। तो गाइस सिर्फ 2 चीज़ों से आपका ये बन जाने वाला है,
और वो बहुत सिंपल है। तो यार गाइस आपको करना क्या है, आपके पास कोई भी अगर सर्कुलर टाइप का कुछ हो, जैसे मेरे पास मैंने वुड का लिया है जिसमें कढ़ाई टाइप की करते हैं वो वाला है मेरे पास, तो मैंने इसको ये ले लिया है, मेरे पास रखा हुआ था। सो आपको कोई बर्बाद नहीं होने वाला, अगर आपको डेकोरेशंस करनी है तो करके आप लोग दोबारा ही उसे वो कर सकते हो। और यू नो गाइस होती नहीं है लटकन टाइप की, बहुत सारी आती हैं मार्केट में कपड़े के फूल टाइप के, उसमें बने रहते हैं धागे में खूब सारे, तो गाइस उसको क्या करना है ना, उसको उसके ऊपर रोल कर देना है बिना ग्लू के, बस आप लोग रस्सी होती है ना उससे उसकी उससे उसे बांध दे और बस रोल करते जाना है और देखो गाइस कितना अच्छा बना है। बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। चलिए सी इसे बस सिंपली ना हम लोगों ने रोल कर दिया है, बस काम खत्म, इतनी जरा सी तो बात है। और गाइज ना ये लास्ट मिनट ये तो नंबर वन पे आना चाहिए। गाइज अगर आपको ये वाला अच्छा लगा ना तो इसके लिए जरूर लाइक कर देना, हाँ, और सब्सक्राइब का बटन ठोक दे, ठीक है। हैक नंबर 4 की तरफ चलते हैं फैमिली। तो फैमिली 4th हैक करने के लिए हम लोग को करना गया, हम लोग सिंपली एक बनाएंगे स्नोमैन। तो गाइज जो कि मैंने देखा था 5 मिनट हाफ में उन्होंने डाले थे राइस, तो एक्चुअली ना राइस ख़राब हो जाएंगे आपके शौक बताओ से। तो गाइज आप लोग क्या करो ना, सिंपली ये शपथ करो, अगर आपके घर में कॉटन है, बहुत सारे एग्जांपल आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, इन सब को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में कॉटन है तो बहुत ईजी है, कॉटन भी आप डाल सकते हो अपने सॉक्स के अंदर। कॉटन नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली आपके घर में सॉक्स तो 3-4 पड़े होंगे ही पुराने टाइप के, 1-2 दिन के लिए डेकोरेशंस के लिए बस चाहिए तो उसको ले लो। जैसे कि मैंने सॉक्स को ही लिया है, बहुत सारे मेरे घर में सॉक्स थे तो मैंने उन्हीं को लिया है, वो ले सकते हो। और या तो आप लोग ना न्यूज़पेपर होता है ना या कोई भी बेकार सा पेपर आप लोग उसके अंदर डाल सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग ने सॉक्स ले लिया और चलो स्टार्ट करते हैं। सब गाइज अभी मैंने यहाँ पे सॉक्स ले ली और इसके अंदर हम जितने भी मैं हम लोग के सॉक्स पुराने वगैरह हैं मैं वही डाल रही हूँ बिकॉज वो ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे। तो अभी मैंने सारे सॉक्स डालना शुरू कर दिए और सॉक्स डालने के बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज ये मैंने वो रेडी हो गया है, बट यार गाइज अभी मैंने पूरा इसको रेडी नहीं किया है। हाँ मुझे पता है मैंने हाथ ही रेडी किया है, सिर्फ इसकी आइज़ वगैरह बनाई थी, बट ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं अगले व्लॉग में ना इसे पूरा कंप्लीट करके ज़रूर दिखाऊंगी और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है एक्चुअली। अगर इसे आपको ना ज़रूर ट्राई करना चाहिए, पीछे मैंने पिन भी लगा दी। सो या इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को आगे लेके जाना है।